मॉड्यूल 195 ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोथामिक डिसऑर्डर इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी सो नाउ वी विल डिस्कस एन अदर मोडालिटी व्हिच इज़ फोकसिंग ऑन द इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम रिदम ऑफ द पर्सनस लाइफ बेसिकली होता क्या है कि जो लाइफ uh, है क्लाइंट की वो डिस्टर्ब हो रही होती है ठीक है जो उसकी रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रही होती है इसके साथ साथ इनकी जो मेडिकेशन लेने की जो सीक्वेंस है या जो रूटीन है वो भी सर्टेन टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती उसकी वजह क्या होती है कि मोस्टली दे सेट के हम भूल गए थे ठीक है मेमोरी प्रॉब्लम सर्टेन टाइम रिपोर्ट करते हैं एंड सर्टेन टाइम दे सिंपली डोंट वांट टू टेक तो सबसे पहले जो है उनको मेडिकेशन का जो स्केजल है और जो मेडिकेशन लेने के फ़ायदे हैं सबसे पहले हमें उनको वो कम्युनिकेट करने होते हैं उसके बाद हमें उनका एक मेडिकेशन का स्केड्यूल बनाना होता है आप एक चार्ट बना सकते हो उसमें टाइम डाल सकते हो ताकि जो है जब भी वो मेडिसिन ले तो वो उसको टेक uh, कर दे दैट्स हेल्प इन मॉनिटरिंग द मेडिकेशन टेकिंग हिस्ट्री उसके बाद आप उसकी डेली रूटीन जो है उसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर हो गई होती है ड्यू टू वेरियस रीज़न यानी अगर एनर्जी लेवल लो है तो माइट भी वो बहुत सी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा अगर एनर्जी लेवल हाई हुआ हुआ तो शायद वो वो काम भी कर रहा है, जो करने की ज़रूरत नहीं है तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो उसकी डेली रूटीन है उसको आप uh, एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर uh, करें उसके बाद लॉन्ग लाइफ नेचर ऑफ एलनेस जो है ये एक्सप्लेन करना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि हम साइक्लोथेमिया में कह रहे हैं कि टू मंथ्स जो हैं विदाउट सिम्टम नहीं रह सकता यानी फुल रोमिशन इसमें नहीं आता मूड आता है उसका जिसमें वो स्टेबल मूड होता है उसका लेकिन स्टिल उसके अंदर तो इट इज समेरी इम्पॉर्टेंट आपने क्लाइंट को यह बताना है कि ये एक लाइफ लॉन्ग उसकी सिचुएशन है और उसने उसी के साथ अडाप्ट करके और उसके साथ रहना है तो दिस इज समिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट देन हम जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें हम सोशल रिदम मैट्रिक्स की एक बात करते हैं एस आर एम की और एस आर एम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट है उसको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं उनके ऊपर वर्कआउट करें जिसके अंदर सबसे पहले अनरिजोल्व्ड ग्रीफ है यानी अगर कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है क्लाइंट ने जिसको वो शेयर नहीं कर सका जिसके बारे में वो बोल नहीं सका जिसके बारे में वो बात नहीं कर सका तो हम उसे कहेंगे कि वो उसके बारे में हमारे साथ बात करें फिर सर्टेन टाइम रोल ट्रांजिशन होती हैं जिसकी वजह से रोल डिस्प्यूट्स भी डेवलप हो जाते हैं ठीक है यानी अगर बच्चा जो है वो स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ में गया है तो माइड पे कि वहाँ पर उसको एक ट्रांजिशनरी फेज है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम आ रहा हो स्कूल में हो सकता है कि वो बच्चा ब्राइट हो कॉलेज आके उसको उसका जो रोल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए वो वो ना रहे जो पहले था तो इस तरह के जो रोल डिस्प्यूट्स हैं सर्टेन टाइम वो भी डेवलप हो जाते हैं तो वी आल्सो नीड टू बी वर्क ऑन दैट देन इंटरपर्सनल डेफिसिट्स सर्टेन टाइम ये होता है कि बच्चे के अंदर जो सोशल स्किल्स हैं वो लैक कर रहे होते हैं उन सोशल स्किल्स को बेटर करने के लिए हम उनको डिफरेंट किस्म की जो साइकोथेरापीज हैं उनके थ्रू हेल्प कर सकते हैं ठीक है यानी हम उनको रोल प्लेइंग करा सकते हैं रोल रिहर्सल करा सकते हैं ताकि उसके सोशल स्किल डेफिसिट्स हैं उनके ऊपर वो कर सके सर्ट ट्रेनिंग भी सिखाई जा सकती है क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब रिलेशनशिप डेवलप करने के अंदर और उनको मेंटेन करने के अंदर प्रॉब्लम आता है तो ये अपने आप को हाइट करने की कोशिश करते हैं जब ये लो फेस में होते हैं और जब ये हाई फेस में जाते हैं तो ये ओवर फैमिलियर बिहेवियर शो करते हैं तो दैट इज लाइक अ स्विंग की एक तरफ इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है और दूसरी तरफ वो एकदम से सुप्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू से ओवरकम करने की कोशिश करें तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसको ओवरकम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो उनके इंटरपर्सनल डाफेसिट्स हैं उनके ऊपर वर्क किया जाए ताकि वो बेहतर हो सकें थैंक यू